हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ग्लैम पार्टी मेकअप लुक। मैं स्टार्ट कर रही हूँ फेस को हाइड्रेट करने से। टोनर इस्तेमाल करने के बाद मैं यहाँ पर सीरम का यूज कर रही हूँ। इससे ना क्या है, नेचुरल सा एक ग्लो आ जाता है फेस पे। एक अच्छे मेकअप के लिए हमारी स्किन का हेल्दी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप जब भी कोई भी प्रोडक्ट अपने फेस पर अप्लाई करते हैं, स्किन में ऑब्जर्व होने के लिए उसे ऐसे ही छोड़ दें कुछ सेकंड के लिए। इसके बाद दूसरा ही प्रोडक्ट यूज करें। अब मैं प्राइमर लेकर अपने फेस पर अच्छे से इसकी मसाज कर लूंगी। जब ये मेरी स्किन में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगा, उसके बाद मैं फिटमी का फाउंडेशन ले रही हूँ। मेरा शेड है 230। जब भी आप फाउंडेशन खरीदें तो अपनी स्किन टोन से मैच करता हुआ फाउंडेशन ही लें। अपने फिंगर की हेल्प से मैं फाउंडेशन को पूरे फेस और नेक तक लगा लूंगी। उसके बाद मैं इसे ब्यूटी स्पंज की हेल्प से ब्लेंड करूंगी। ब्लेंडिंग पर हमें खास तौर पर ध्यान देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं फेस पर ज्यादा फाउंडेशन लगाना है या कहीं कम। सभी जगह पे इक्वल हो, हमें इस बात का ध्यान देना है। जो भी प्रोडक्ट इस वीडियो में यूज कर रही हूँ उसकी डिटेल मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाकर एक बार देख सकते हैं। अब मैं ले रही हूँ अपना कंसीलर। कंसीलर से ना क्या होता है गाइज, हमारा फेस जो है ना एक फ्लैट सा नहीं दिखाई देता, हमारे फीचर्स ना उभरे हुए दिखाई देते हैं। इसी कंसीलर का यूज किया जाता है। एज ए प्राइमर मैं अपनी आईज पर भी थोड़ा सा कंसीलर अप्लाई कर लूंगी। अगर आपके पास प्राइमर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप कंसीलर का भी यूज कर सकती हैं। अब मैं कर रही हूँ अपने कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड। ब्लेंड हो जाने के बाद फाउंडेशन और कंसीलर को सेट कर लूंगी एक लूज पाउडर से। यहाँ कर लिया है मैंने अपने लिप्स को मॉइस्चराइज। अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए मैंने यूज कर लिया है यहाँ पर मेकअप सेटिंग स्प्रे। अब मैं ब्राउन कलर को लेकर अपनी आईब्रो को फिल कर लूंगी। आप देख ही सकते हैं मैं किस तरह से अपनी आईब्रो को फिल कर रही हूँ। आईब्रो को फिल करने के बाद आई शेडो के लिए मैं आज इन तीन ब्रशेस का यूज कर रही हूँ। सबसे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पर एक लाइट ब्राउन कलर। इस कलर को लेकर मैं पूरी क्रीज एरिया और अपनी लिड पर अच्छे से अप्लाई करूंगी। आज मैं कुछ डार्क सा आईज मेकअप करने वाली हूँ, इसलिए एज ए ट्रांजिशन कलर मैंने लाइट कलर को पिक किया है। इसे अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं अपनी इसी पैलेट में से एक डार्क कलर पिक कर रही हूँ अपनी ड्रेस से मैच करता हुआ। हल्का हल्का कलर लेकर अपने आउटर वी पर मैं कुछ इस तरह से ब्लेंड करती चली जाऊंगी। जब भी आप आईज पर डार्क मेकअप करें तो थोड़ा थोड़ा कलर लेकर ही उसे डार्क करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज्यादा कलर लेकर एक बार में ही डार्क कर लिया, वो बहुत ही ड्रामेटिक लुक देता है। इसे अच्छे से ब्लेंड करने के बाद किसी भी तरह की कोई हार्श लाइन ना दिखे, इसलिए मैंने बड़े ब्लेंडिंग ब्रश के साथ मैं इस तरह से कुछ ब्लेंड कर रही हूँ अपने कलर को। अब मैंने लिया है एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश और इसकी हेल्प से मैं ब्लैक कलर लेकर अपने आउटर वी को डार्क करते हुए इस तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। आज मैं अपनी आईज को कुछ हेलो आईज लुक देने वाली हूँ, तो उसके लिए मैंने यही कलर लेकर अपने इनर कॉर्नर पर भी अच्छे से इसे ब्लेंड कर दिया है। आज का आईज मेकअप मुझे बहुत पसंद आया, आई होप आपको भी बहुत पसंद आए। अब मैं कट क्रीज बनाने के लिए अपना ले रही हूँ कंसीलर और उसे फ्लैट ब्रश की हेल्प से थोड़ा थोड़ा करके मैं अपनी आईज पर अप्लाई कर रही हूँ। अब मैंने कंसीलर से ही मैच करता हुआ एक लाइट कलर लिया है और जहाँ पे मैंने कंसीलर लगाया था उसे यहाँ पे ही प्लेस कर दूंगी। कंसीलर के एजेस को क्लीन करने के लिए मैंने ब्रश पर हल्का सा पर्पल कलर और ब्लैक कलर लेकर एजेस को क्लीन कर लिया है। यहाँ पर मैंने अपने ब्रश पर ले लिया है पर्पल कलर
और इसे अपने लोअर लैश लाइन पर इस तरह से लगा रही हूँ। मेरा आईज मेकअप हो गया है कंप्लीट। अब मैं अपने ब्राउ बोन एरिया को और इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर लूंगी। अब मैंने लगा लिया है मस्कारा। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं? अगर नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक भी कर दीजिए। अब मैं अपने पूरे फेस को कर रही हूँ कॉन्टोर। फेस कॉन्टोर के बाद अब मैं कर लूंगी ब्रश यूज। यहाँ पर मैंने पीच कलर का ब्रश यूज किया है। जब भी हम कोई पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट यूज करते हैं अपने फेस पर, तो हमेशा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को टैप टैप करके निकाल देना चाहिए। उससे क्या होता है कि एकदम से डार्क प्रोडक्ट हमारे फेस पर नहीं लगता, क्योंकि अगर डार्क प्रोडक्ट फेस पे लग जाता है तो उसे क्लीन करने में हमारा मेकअप खराब हो जाता है। अगर लाइट लग जाता है तो उसे हम डार्क कर सकते हैं, पर डार्क को लाइट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब मैं अपने फेस को कर लूँगी हाईलाइट। इस वीडियो में मैंने डार्क आईज मेकअप किया है, तो इसलिए मैं यहाँ पर न्यूड कलर की लिपस्टिक का यूज़ करूँगी। अब मैं लगा रही हूँ अपनी फॉल्सेस। कुछ लोगों को फॉल्सेस लगाना बहुत ही टिपिकल काम लगता है, लेकिन अगर इसकी प्रैक्टिस करी जाए तो ये बहुत इजी है। किसी भी चीज की अगर प्रैक्टिस करी जाए तो वो हर काम ही इजी हो जाता है। अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए मैंने पहन ली है इस टाइप की हुक्स। अब मैं मिलता हूँ आपसे हेयर कर्ल करने के बाद। गाइस, ये रहा मेरा फाइनल लुक। कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।